हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्वीज प्रेगनेंसी में पहली बार में हलचल 16 वीक से लेकर के 22 वीक्स के बीच में आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हैं तो ये हलचल हो सकता है आप थोड़ा सा लेट महसूस करें, और अगर आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं तो आप इस हलचल को बहुत ही आसानी से पहचान लेंगी, और आप पहली बार में बच्चे की छोटी छोटी फड़फड़ाहट महसूस करेंगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ रेंग रहा हो, और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बच्चों की हलचल बहुत ही आसानी से महसूस होने लगेगी। इसलिए अगर आपको हलचल शुरुआत में कम महसूस होती है तो आप बिल्कुल भी घबराए ना, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। जब आपके बच्चों का प्रॉपर साइज बड़ा होने लगेगा तो आपको हलचल बहुत ही अच्छे से महसूस होगी। प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पर आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगी कि दिन में एक समय वो जरूर होता है जब बच्चे बहुत ज्यादा हलचल करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बेबी बड़े होते हैं तो वो बाहर जो भी आवाजें होती हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। और अगर आपको कभी कभी हलचल कम या फिर ज्यादा महसूस हो तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा आलसी टाइप में होते हैं जो कि बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं। और अगर आपको हलचल बिल्कुल भी महसूस ना हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। कुछ महिलाओं को हलचल बहुत जल्दी महसूस होने लगती है बट कुछ महिलाओं को थोड़ी सी लेट होती है, तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन प्लासेंटा की पोजीशन भी होता है। जिन महिलाओं का प्लासेंटा पोस्टीरियर यानी कि पीठ की तरफ होता है पीछे की साइड और बच्चे पेट की तरफ होते हैं तो उनको हलचल बहुत ही जल्दी महसूस होती है, लेकिन जिन महिलाओं का प्लासेंटा एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ होता है और बच्चे पीछे की तरफ होते हैं तो उनको हलचल थोड़ा सा लेट महसूस होती है। और इसके अलावा अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तब भी आपको हलचल लेट महसूस होगी, एंड आप बहुत ज्यादा दुबली पतली हैं तो आपको हलचल बहुत ही जल्दी महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दुबले पतले होने की वजह से आपके पेट में एक्स्ट्रा चर्बी नहीं होगी जिस वजह से आपको बहुत ही जल्दी महसूस होगी। और आपको हलचल लेट महसूस हो रही है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर हलचल नहीं होती है, हलचल बिल्कुल होती है, और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कुछ महिलाएं बहुत ही आसानी से अपने दोनों बेबी के अलग अलग मूवमेंट को महसूस करती हैं और कुछ महिलाएं आसानी से नहीं कर पाती हैं, तो इसका रीजन होता है कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जिसमें एक ट्विंस नीचे की साइड रहता है और एक ट्विंस ऊपर की साइड रहता है, और कुछ ट्विंस इस टाइप से होते हैं कि एक ट्विंस दाएं रहता है तो दूसरा बाएं रहता है। तो ये बच्चे की पोजीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब दोनों दाएं बाएं रहेंगे तो सीधी सी बात है दोनों ही तरफ हलचल महसूस होगी, वो भी अलग अलग, एंड अगर ऊपर नीचे होंगे तब भी आपको ऊपर नीचे अलग अलग हलचल महसूस हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपने बेबी की मूवमेंट कैसे काउंट करनी है। तो आप सुबह से या फिर शाम को किसी भी टाइम को डिसाइड करके काउंट करना स्टार्ट कर सकती हैं। आपको ये जरूर देखना है कि आपका बेबी कम से कम 10 बार हलचल कर रहा है या फिर नहीं। हलचल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको बेबी किक मारे तभी आपको पता चले कि वो हलचल कर रहा है। जैसे आपको फड़फड़ाहट महसूस होना या फिर बच्चा रोल जैसा कर रहा है या फिर बच्चा घूम रहा है, आपको कैसा भी महसूस हो आप इसको हलचल में ही काउंट करेंगी। और अगर आप दोनों बच्चों की अलग अलग हलचल महसूस कर सकती हैं तो आप बिल्कुल अलग अलग भी दोनों की गिन सकती हैं। और जब आप हलचल गिनना स्टार्ट करती हैं तो अगर आपको एक घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है तो आप क्या करें कि थोड़ा सा कुछ भी नाश्ता वगैरह ले लें या फिर कुछ थोड़ा सा मीठा ले लें, एंड इसके अलावा आप टहले थोड़ी देर, उसके बाद में आप फिर आराम करें एंड लेट जाएं, फिर आप दोबारा से काउंट करना शुरू कर सकती हैं। और आप एक बात याद रखिए कि जैसे ही आपका टाइम बढ़ रहा है तो बढ़ते टाइम में अगर आपको बेबी की मूवमेंट 2 घंटे से भी ज्यादा हो जाए और महसूस नहीं हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें। और आपको एक बात क्लियर कर दे कि जैसे जैसे आपकी दूसरी या फिर तीसरी तिमाही लगती है तो बेबी का स्लीपिंग पैटर्न भी बन जाता है और बेबी आराम भी करना स्टार्ट कर देता है। तो इस बीच अगर आपको उनकी हलचल हल्की हल्की और धीमी धीमी महसूस हो तो आप तुरंत ही चिंता ना करें, क्योंकि उस समय आपके बेबी आराम या फिर नींद की पोजीशन में रहते हैं। जैसे ही आपकी दूसरी तिमाही खत्म होने लगती है तो बेबी इतने ज्यादा बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं कि उनको आपके गर्भ में जगह नहीं मिलती है, जिस वजह से आपको हलचल थोड़ी सी कम महसूस हो सकती है, लेकिन आपको जब भी होगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से महसूस होगी। इसके अलावा अगर आपको हलचल को लेकर कुछ भी डाउट होता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि
अगर आपका एमनियोटिक फ्लूड कम होने लगता है तब भी बेबी हलचल नहीं कर पाती है। इसके अलावा अगर ऐसा होता है कि एक बच्चा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, एक बच्चा स्लो कर रहा है, तब भी हलचल कम हो जाती है। तो इसलिए आप ट्विंस में हलचल को लेकर डॉक्टर से संपर्क जरूर करते रहे और टाइम टाइम पर उनसे हलचल के बारे में बिल्कुल पूछते रहे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।